हे हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। हो आप से लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, अपने स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि अब एक बार फिर से आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं, जो कि बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो राजस्थान की पीटी की भर्ती जैसे कि आपको देखने की मिल रही, ग्रेड वन की है, बहुत अच्छी भर्ती आई है, परमानेंट पोस्ट है दोस्तों। और इसमें दो पेपर होने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है, जी के जी एस से रिलेटेड है, दूसरा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आप राजस्थान की साइट पर जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूबरों ने पूरा डिटेल डाल दिया है, देख लिया होगा अब तक आपने। तो जो कि 5 मई से लेकर 6 जून तक इसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा, 500 का फॉर्म है, प्लस जो कंप्यूटर चार्ज वगैरह रहेगा एक्स्ट्रा वो रहेगा। तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे करते ही रहिए, क्योंकि एग्जाम्स हो सकता है जुलाई अगस्त तक हो जाए, मे बी कन्फर्म नहीं है अभी, क्योंकि एग्जाम की डेट मैंने देखा नहीं कब क्या है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो देखते क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, पचे हुए भोजन के लिए विषैले पदार्थ हमारे शरीर का कौन सा अंग अवशोषित करता है। जी हाँ, जो हमारे पचे हुए भोजन के जो विषैले, यानी कह सकते हैं जो विषैले मीन जहरीले पदार्थ या अनावश्यक जो तत्व हैं, वो हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो अवशोषित करता है। अमाशय करता है, अग्नाशय करता है, वृक्क करता है या यकृत करता है, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका सी है, यानी कि वृक्क हमारा किडनी करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, दांतों की विकृति किस तत्व की कमी से होती है। तो आई क्लोरीन से होती है, फ्लोरीन से होती है, कैल्शियम से होती है, आयोडीन से होती है। तो इसका आंसर हो सभी को पता होगा। तो ये इस दांतों में जो भी विकृति आती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, वो हमारी किसी कमी से होता है, वो हमारा होता है कैल्शियम की कमी से, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे भोजन में सबसे अनिवार्य अव्यय कौन है। जी हाँ, हमारे डाइट में, हमारे भोजन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा ऐसा तत्व है जिसका होना अनिवार्य है, ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर बी है, यानी कि प्रोटीन है। प्रोटीन हमें क्या करता है, हमारी बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है, स्टार्च का भी सेम वही प्रोसेस होता है, कार्बोहाइड्रेट का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। जी हाँ, क्रेब्स चक्र में हमारी लैक्टिक अम्ल का होता है, पायरूपिक अम्ल का होता है, टीपी का होता है, या फ्यूमेरिक अम्ल का होता है, आपको बताना है। तो क्रेब्स चक्र में दोस्तों किसका संश्लेषण होता है, टीपी का होता है। किसका होता है, एटीपी का होता है, एटीपी का होता है, जिसे हम एडीनोसिन ट्राईफॉस्फेट बोलते हैं एटीपी को। ओके, एटीपी जैसा जानते हैं इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है हमें। आगे इसके थोड़ी पार्ट में डिस्कशन करेंगे कितनी एटीपी कितना होता है, कैसे बनता है, सब के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमारे शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है। जी हाँ, जो हमारी बॉडी में नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है वो कौन सा होता है, यूरिया होता है, अमोनिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, या अमोनिया नाइट्रेट होता है, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, हमारी शरीर में जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है वो क्या होता है, आपने गेस कर लिया होगा। तो जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है दोस्तों, वो हमारी बॉडी में वो होता है, ऑप्शन इसमें डी राइट है, यानी कि अमोनिया नाइट्रेट होता है। ठीक है, क्या होता है, अमोनिया नाइट्रेट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। जी हाँ, जो भोजन है, भोजन का ऊर्जा में यानी एनर्जी में परिवर्तन हमारी बॉडी में जो सेल है, कोशिका है, वहाँ के किस भाग में होता है। केंद्रक में होता है, लाइसोसोम में होता है, राइबोसोम में होता है, माइटोकांड्रिया में होता है। तो ये हमारा होता है दोस्तों, ऑप्शन डी इज राइट है, माइटोकांड्रिया में होता है। ओके, कहाँ होता है, माइटोकांड्रिया में होता है। क्या होता है, भोजन का जो ऊर्जा में परिवर्तन है वो हमारे माइटोकांड्रिया में होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट यानी उपापचय यानी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का यंत्र किससे होता है, थायरॉक्सिन से, इंसुलिन से, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से, या ये सभी से। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, डी इज राइट है, यानी ये सभी से। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का जो नियंत्रण है वो इन सभी से होता है, थायरॉक्सिन से होता है, इंसुलिन से होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से होता है, इन सभी से होता है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, पायरूपिक अम्ल का निर्माण कब होता है। जी हाँ, जो हमारा पायरूपिक अम्ल है उसका निर्माण कब होता है, ऑप्शन देख सकते हैं आप, फोटोफास्फोराइलेशन से, ग्लाइकोलोसिस से, क्रेब चक्र से, ईटी श्रृंखला से। तो आपको बताना है किससे होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए है, यानी कि हमारा जो फोटोफास्फोराइलेशन बोलते हैं, देख लीजिएगा, फास्फोराइलेशन बोलते हैं। तो पायरूपिक अम्ल का जो निर्माण कब होता है, ऑप्शन इसमें है, ए इज राइट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में 6 कार्बन यौगिक अंततः परिवर्तित हो जाते हैं। किस में परिवर्तित होते हैं, एटीपी में होते हैं, एथिल एल्कोहल में होते हैं, पायरूपिक अम्ल में होते हैं, या एसिटाइल कोलाइल में होते हैं, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा है एटीपी। ठीक है,
इसमें होता है हमारे एटीपी में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेब चक्र होता है, जी हाँ जो क्रेब चक्र है वो क्या होता है, वायवी श्वसन होता है, अवायवी श्वसन होता है, प्रकाश श्वसन होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसका ए इज राइट है, यानी कि क्रेब चक्र जो होता है वो वायवी श्वसन होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, किडनी से लेकर ब्लैडर तक की जो यूरिन लाने वाली नलिका है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो लीवर नहीं कहते हैं, एनस नहीं कहते, ट्राइसिया नहीं कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग, यूरेटर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति के शरीर का तापमान, सॉरी एक व्यक्ति के शरीर का सामान्य रूप से कितना तापमान होता है, जी हाँ एक नॉर्मल व्यक्ति का टेम्परेचर कितना होता है आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं 93 डिग्री टेम्परेचर, 94, 981, 97 फारेनहाइट, कितना होता है, तो इसका राइट आंसर डी है, जी हाँ 97 डिग्री फारेनहाइट तक होता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है देखते क्या है, नेक्स्ट है मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है, जी हाँ जो हम लोग में मानव में जो मेन जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो क्या है, अमीनो अम्ल है, अमोनिया है, यूरिक अम्ल है, यूरिया है, क्या है आपको बताना है। तो मनुष्य में जो उत्सर्जी जो पदार्थ होता है दोस्तों वो यूरिया होता है, ऐसा क्या आप सभी को पता होगा, यूरिया होता है जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है, जी हाँ आपको बताना है जो यूरिया है उसकी सबसे अधिक मात्रा किसमें होती है, डॉर्सल रोटा में होती है, रेनल वेन में होती है, हेपेटिक पोर्टल वेन में होती है, इंटरकोस्टल वेन में होती है, यानी पृष्ठ महाधमनी में होती है, वृक्कीय सिरा में होती है, हेपेटिक निवाहिका सिरा में होती है, पसली सिरा में होती है, तो ये इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट है, डॉर्सल अरोटा में होती है। ओके थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर रही हूँ, जल्दी कर रही हूँ, थोड़ा सा कुछ वर्क है मुझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र यानी यूरिन शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग होता है, जी हाँ यूरिन शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग होता है, यूरिनरी ब्लेडर में, कलेक्टिंग ट्यूबुलर में, लूप हैनले में, वोमेन कैप्सूल में, यानी मूत्राशय में, संग्रह नलिका में, हैनले लूप में, वोमेन कैप्सूल में, तो राइट आंसर इसका है संग्रह नलिका, यानी कलेक्टिंग ट्यूबल जो है वहाँ पे सबसे पहले इसका प्रयोग होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज के रोगी यानी मधुमेह के रोगी को आहार में कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया जा रहा है फिर भी उसके यूरिन से ग्लूकोज का उत्सर्जन हो रहा है, तो इसकी सर्वाधिक संभावना किस कारण हो रही है, आपको बताना है। डायबिटीज का पेशेंट उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट नहीं दे रहे हैं, उसके बावजूद भी जो ग्लूकोज का लेवल है उसकी वो जो होता है ग्लूकोज जो है उसका उत्सर्जन हो रहा है, इसकी सर्वाधिक संभावना किस कारण से है। अब ऑप्शन क्या है, उसके बॉडी में वसाओं का जो फैट्स है उसका विखंडन ग्लूकोज में हो गया है, या पेशी से ग्लूकोज निकल कर रुधिर में पहुंच गया है, या यकृत से अमीनो अम्ल निकल कर रुधिर में पहुंच गया है, या यकृत में अमीनो अम्ल के विखंडन से शर्करा का निर्माण हो गया है, तो इसका राइट आंसर ए है, यानी कि वसाओं का विखंडन ग्लूकोज में हो गया है जिसके कारण ग्लूकोज का उत्सर्जन बहुत अधिक उसके यूरिन से हो रहा है कार्बोहाइड्रेट ना देने के बावजूद भी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में उपापचय पदार्थ यानी मेटाबॉलिक गुआनिन एडिनाइन किस रूप में उत्सर्जित होता है, यूरिक अम्ल के रूप में होता है यानी कि कह सकते हैं यूरिक एसिड के रूप में होता है, या फिर जो है हमारी यूरिया के रूप में होता है, या अमोनिया के रूप में होता है, या एलन आयन के रूप में होता है। तो जो मनुष्य में जो मेटाबॉलिक गुआनिन एडिनाइन है तो वो जो है हमारे किसके रूप में उत्सर्जित होता है दोस्तों, तो वो जो उत्सर्जित होता है वो हमारे यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जित होता है। ओके किसके रूप में, यूरिक एसिड के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरिया की सबसे कम मात्रा किस में होती है, पल्मोनरी वेन में, हेपेटिक आर्टरी में, हेपेटिक पोर्टल वेन में, रेनल वेन में, यानी फुफ्फुसी सिरा में, यकृत धमनी में, यकृत निवाहिका सिरा में, या वृक्कीय सिरा में, तो इसका राइट आंसर दोस्तों पल्मोनरी वेन में जो होता है यूरिया सबसे अधिक मात्रा में रहती है, यानी फुफ्फुसी सिरा जिसे बोलते हैं वहाँ पे हमारी यूरिया की सबसे अधिक मात्रा होती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के यूरिन में जो प्रोटीन का उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्शन यूरेसिल होता है, अमोनिया होता है, यूरिया होता है, या फिर यूरिया यूरिक अम्ल सोडियम क्लोराइड होता है, या फिर यूरिक वैलेरिन ग्वेनिन होता है, या फिर यूरिया यूरिक अम्ल क्रिएटिनिन होता है, तो इसका राइट आंसर डी होगा दोस्तों, जो मनुष्य में यूरिन में जो मेटाबॉलिज्म का यानी जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जब प्रोटीन का मतलब उपापचय हो जाता है उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो यूरिया यूरिक अम्ल क्रिएटिनिन होते हैं। ओके अगला क्वेश्चन, सोडियम तथा जल का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, जी हाँ आपको बताना सोडियम और हमारे जल का सबसे ज़्यादा अवशोषण कहाँ होता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में, दूरस्थ कुंडलित नलिका में, हैनले का लूप में, और या इन सभी में, तो इसका राइट आंसर ए है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में जो होता है हमारे जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है जल और सोडियम का। ओके तो याद कर लेना,
सोडियम और जल का सर्वाधिक अवशोषण हमारे समीपस्थ कुंडली नलिका में होता है, ठीक है, साफ़ार सोडियम साफ़ार समीपस्थ, ओके। यूरिया संश्लेषण किसके टूटने से होता है, जी हाँ, जो यूरिया का संश्लेषण है किसके टूटने यानी विखंडन से होता है, ब्रेकडाउन होने से, ग्लूकोज के, वसा अम्ल के, अमीनो अम्ल के या फिर अमोनिया के, किसके टूटने से होता है आपको बताना है। तो इसका जो है दोस्तों, यूरिया जो संश्लेषण होता है वो हमारे किसके टूटने से होता है, अमीनो अम्ल के टूटने से होता है, ओके। अमीनो अम्ल का जब विखंडन होता है तो हमारे यूरिया का संश्लेषण होता है अमीनो अम्ल के टूटने से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया का परिवहन कौन करता है, जी हाँ, अभी क्या था, यूरिया संश्लेषण किसके टूटने से होता है, अमीनो अम्ल के होता है। नेक्स्ट है, यूरिया का परिवहन कौन करता है, लसिका करती, रुधिर प्लाज्मा करती है, लाल रुधिराणु करते हैं, श्वेत रुधिराणु करते हैं, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम ही करते हैं, प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा करते हैं, रेड RBC करते हैं या WBC करते हैं, तो उसका राइट आंसर बी है, रुधिर प्लाज्मा करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फालतू अमीनो अम्ल से यूरिया निर्माण कहाँ होता है, जी हाँ, जो हमारी बॉडी में फालतू वेस्ट मटेरियल से जो अमीनो अम्ल है उससे यूरिया का निर्माण हमारी बॉडी किस पार्ट में होता है, किडनी में होता है, यकृत में यानी कि लीवर में होता है, ब्लड में होता है, या जो किडनी की पाइप है यानी रक्त नलिका में उसमें होता है। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन इसका सी जो है राइट होता है, क्योंकि सॉरी ऑप्शन जो है इसका बी राइट होता है, यकृत में होता है, किस में होता है, यकृत यानी लीवर में होता है, जो यूरिया का निर्माण लीवर में होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, हेनले का लूप कहाँ स्थित है, जी हाँ, हेनले का लूप कहाँ स्थित है, वृक्क का वल्क में स्थित है, वृक्क का मेडुला में स्थित है, कैपेट एपिडिमिस में स्थित है, एड्रिनल ग्रंथि का मेडुला में। तो इसका राइट आंसर बी है, वृक्क का मेडुला में हेनले का लूप स्थित है, ओके, ऑप्शन बी राइट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चाय पीने के बाद अधिक मूत्र की मात्रा किसके कारण बनती है, जी हाँ, जब हम चाय कॉफ़ी पीते हैं तो जो यूरिन की मात्रा है किसके कारण अधिक बनती है बताना है, शुगर के कारण बनती है, कैफीन के कारण बनती है, जल के कारण बनती है, निकोटिन के कारण बनती है। तो जैसा कि आपको पता होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कैफीन के कारण हमारी जो होती है यूरिन की मात्रा बहुत अधिक बार बनती है, ठीक है। चाय जब पीते हैं अपन तो अधिक मूत्र की मात्रा होती है, तो वो किसके कारण होती है, वो होती है हमारी कैफीन के कारण, ओके। ड्यूरोसिस से क्वेश्चन बहुत बार आता है, ड्यूरोसिस में क्या होता है, ठीक है, तो जिसको हिंदी मूत्र लता बोलते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है दोस्तों, जब ये प्रॉब्लम होती है तो मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, ओके। तो इसका ऑप्शन ए इज राइट है, जब ड्यूरोसिस की प्रॉब्लम होती है तो मूत्र की यूरिन की जो मात्रा है क्वांटिटी वो बढ़ जाती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा, डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, जी हाँ, डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, तो ऑप्शन है कि यूरिन में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है, ऑप्शन सी है, जो यूरिन की सांद्रता तथा सांद्रता बढ़ जाती है और जो उसकी क्वांटिटी यानी मात्रा भी कम हो जाती है। डी है, यूरिन विसर्जन में विलंब होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, डायबिटीज जो इंसिपिडस में क्या होता है दोस्तों, डायबिटीज इंसिपिडस में हमारा इसका जो राइट आंसर है, तो जो उसमें यूरिन की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, ओके। डायबिटीज इंसिपिडस में यूरिन की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज इंसिपिडस किसके नियंत्रण में होता है, जी हाँ, जो डायबिटीज का इंसिपिडस है वो नियंत्रण कौन करता है, किसके नियंत्रण में होता है, इंसुलिन के होता है, CTH के होता है, TSH के होता है या ADH के होता है। तो जो डायबिटीज इंसिपिडस है वो ADH जो है उसके नियंत्रण में होता है, ओके, किसके, ADH के, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन ग्रंथियां किसके उत्सर्जी अंग हैं, जी हाँ, जो ये ग्रीन ग्रंथियां हैं वो किसके उत्सर्जित अंग हैं, बिच्छू के, सल्प के, मकड़ी के, झींगा मछली के। तो ऑप्शन बी इज राइट होता है, झींगा मछली जो है ग्रीन ग्रंथियां इसके उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क में पिरामिड्स का मुख्य कार्य क्या है, क्या होता है, सॉरी इसके ऑप्शन शायद टाइप करने में कुछ मिस्टेक हो गया, चलिए मैं इसका आंसर डायरेक्ट बता देती हूँ आपको। तो जो वृक्क में पिरामिड्स का मुख्य कार्य दोस्तों जो होता है वो होता है कि जो हमारे पिरामिड्स में संग्रह नलिकाएं होती हैं, ठीक है, वृक्क में पिरामिड्स का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क में पिरामिड्स का मुख्य कार्य होता है, क्या होता है आपको बताना है। तो शायद ऑप्शन देना भूल गई हूँ, टाइप करने मिस्टेक हो गया, तो ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, पिरामिड्स में संग्रह नलिकाएं होती हैं। ऑप्शन बी है, पिरामिड्स यूरिन जो नलिका होती है उस प्रवाहित करते हैं उससे। थर्ड क्वेश्चन है, पिरामिड संग्रह नलिका के छिद्र को सहारा देते हैं। या फिर फोर्थ है, पिरामिड्स में वसा तथा प्रोटीन संग्रहित होता है। तो ऑप्शन इसमें सही ये है कि पिरामिड्स में संग्रह नलिकाएं होती है, ओके। तो पिरामिड्स में क्या होता है, मुख्य कार्य होता है क्योंकि इसमें संग्रह नलिकाएं होती हैं, याद रखिएगा। ग्लोमेरुलस किससे बनता है, जी हाँ बताना है, ग्लोमेरुलस किससे बनता है, वृक्कीय शिरा से बनता है, वृक्कीय धमनियों से बनता है,
या फिर वृक्क निवाहिका उपतंत्र से बनता है या यकृत निवाहिका उपतंत्र से बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बी है, वृक्कीय धमनियों से हमारा ग्लैमेरुलस बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर की संरचना का समन्वय किसके द्वारा होता है? जी हाँ, रुधिर की जो संरचना है उसका जो समन्वय है किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हीमियोस्टेसिस से होता है। ठीक है, किससे होता है? हीमियोस्टेटिस से होता है, राइट आंसर ये है। आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शन देख के आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे की पथरी क्यों होती है? जी हाँ, जो गुर्दे यानी किडनी की पथरी क्यों होती है बताना है। वसा के कारण गुर्दे में अवरोध हो जाता है, या ऑप्शन बी है पेल्विस में ऑक्सोलेट क्रिस्टल्स व अन्य लवणों का जमाव हो जाता है, ऑप्शन सी है गुर्दे में प्रोटीन का जमाव हो जाता है, ऑप्शन डी है गुर्दे में रेत का जमा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर बी है दोस्तों, जो हमारा पेल्विस में ऑक्सोलेट क्रिस्टल एवं अन्य जो लवण है उनका जमा हो जाता है, जिसके कारण हमें स्टोन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था में जो यूरिन में कायकी के कारण नहीं होती है? जी हाँ, कौन सी अवस्था है मूत्र में कायकी के कारण नहीं होती है? तो ऑप्शन आपके सामने है हिमेटूरिया, एलकैप्टोन्यूरिया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कि हीमोग्लोबिनुरिया, एसिडोसिस। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या है, कौन सी अवस्था है जिससे जो यूरिन होता है वो कायकी के कारण नहीं होता है? एलकैप्टोन्यूरिया, हीमोग्लोबिनिया, एसिडोसिस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों तो वो है हमारा कि जो ऑप्शन बी है वो राइट है, एलकैप्टोन्यूरिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु में यूरिन अधिक मात्रा में क्यों निकलता है? ठीक है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप सभी समझ जाओगे ऑप्शन देख के। तो ऑप्शन है वृक्क नलिकाएं और जल का अवशोषण नहीं कर पाती हैं, ऑप्शन बी है वृक्क अधिक सक्रिय हो जाता है, ऑप्शन बी सी है पसीने द्वारा अधिक जल शरीर से बाहर नहीं निकलता है, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन सी इज़ राइट है इसका, क्योंकि पसीने द्वारा अधिक जल शरीर से बाहर नहीं निकल पाता, जिसके कारण हमें वर्षा यानी बरसात में और ठंडी में यूरिन की जो क्वांटिटी होती है वो अधिक होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भूखा व्यक्ति है तो भूखे व्यक्ति की यूरिन का जब उत्सर्जन करता है, यूरिन करता है, तो वहाँ से कौन सा पदार्थ निकलेगा उससे? भूखे व्यक्ति के यूरिन से कौन सा पदार्थ निकलेगा? सिंपल लैंग्वेज में क्रिएटिनिन निकलेगा, सोडियम क्लोराइड निकलेगा, यूरिया निकलेगा या फास्फेट निकलेगा, आपको बताना है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट है, यानी सोडियम क्लोराइड निकलेगा। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, यहीं पर ये वाली क्वेश्चन सीरीज कम्प्लीट होती है, और मैंने राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिए हैं और स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन उसी में है, यानी 10 जो है राजस्थान के जीएस से रिलेटेड है और 10 जो है उससे स्पोर्ट्स रिलेटेड है, और ये आपके लिए आपके सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इसके बाद अब हम लोग प्ले थ्योरी कंप्लीट करेंगे। ओके, तो होप आप क्वेश्चन समझ में आए हो, थोड़ी सी लैंग्वेज टफ थी तो देख लेना, आपको बनना चाहिए। आप थोड़ा सा 2-3 बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, पेपर जितना ज़्यादा हो उतना सॉल्व करिए, पढ़ाई करते रहिए, थ्योरी पार्ट भी लेके चलिए, ऑब्जेक्टिव अप्रोच मत अपनाइए। बार बार कहती हूँ, थ्योरी के मैंने बहुत सारे वीडियो इसमें डाले हैं, आप देख सकते हैं। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वही बोलूँगी कि अच्छा लगा हो, मेरे चैनल में पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ।